काफ़ी आगे तक बाइक जीप जाती है, उससे आगे पैदल ट्रैकिंग का रास्ता है। इस वक्त हम जा रहे हैं आगे राकापोशी व्यू पॉइंट की तरफ। यहाँ रास्ता थोड़ा सा हमें नज़र नहीं आ रहा है, आप देख सकते हैं ये रास्ता है। अली भाई वहाँ से नहीं, वहाँ से है रास्ता। थोल वैली का जो नाला है, एक राकापोशी का बहुत ही खूबसूरत व्यू यहाँ से भी नज़र आता है। तो आए हैं आज, देखते हैं कहाँ तक हम जा पाते हैं। थोल नाला एक ऐसा नाला है जहाँ पे टोटल आपको नेचर मिलेगा, फितरत के नज़ारों से आप लुत्फानंदोज़ होते हुए आप राकापोशी ग्लेशियर तक अप्रोच कर सकते हैं। वो हुआ जिसकी तवक्को नहीं थी, यानी हल्की फुल्की बारिश शुरू हुई है, बादल छा गए हैं काले काले बादल। अल्लाह से दुआ है यार ये बारिश ना हो जाए, फिर हमारा सारा ट्रिप पानी में जाएगा। शुक्र है अल्लाह का ये बादल सारे छट गए हैं। मैं तो बहुत परेशान हो गया था यार ट्रिप ख़राब हो जाएगा, लेकिन बादल छटना शुरू हुए हैं और धूप भी निकलना शुरू हुई है। ये है थोल नाला, मैं हूँ रियाज और वो रहा मेरा कज़न अली। अली ज़रा हाथ तो हिलाओ यार।
और जा रहे हैं ऊपर की तरफ, देखते हैं हम ग्लेशियर तक पहुंच पाते हैं या नहीं। अगर आपको ग्लेशियर नहीं दिखा सका तो कम से कम यहाँ पर एक आबशार है, वाटरफॉल, वो तो आपको मैं लाजमी दिखाऊंगा। ये रहा वाटरफॉल थोल नाला में। थकान भी हो गई लेकिन इस वाटरफॉल ने सारी थकान उतार भी दी। ये कैल्सी और इस तरह की चीज़ें पीनी पड़ेंगी। अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। इस वक्त आसमान पे बादल मुकम्मल तौर पे छाए हुए हैं, वो भी काले काले बादल। हल्की फुल्की बूंदाबांदी भी शुरू हो गई है। आसमान पे काले काले बादल छाए हुए हैं, हल्की फुल्की बारिश भी शुरू हो गई है। यहाँ पीछे इस पहाड़ के पीछे राकापोशी छुपी हुई है। ये है सूरज और बारिश के कतरे। बारिश शुरू हो गई है, अभी पहले हल्की हल्की हो रही थी, अभी तेज़ होना शुरू हो गई है बारिश। और राकापोशी भी बादलों के पीछे मुकम्मल तौर पे छुप गई है। और नीचे थोल वैली की तरफ भी बादल उमड़ना शुरू हो गए हैं और बारिश हो रही है।
हमने यहाँ से फिर वापसी का सफ़र शुरू किया है। बादल भी छा रहे हैं, हल्की बूंदाबांदी भी हो रही है, तो आगे जाना मुनासिब नहीं था, हमने फिर वापसी की राह ले ली। बारिश और तेज़ हो रही है, हम जल्दी जल्दी कदम बढ़ाते हुए नीचे की तरफ जा रहे हैं। वहाँ हमारी बाइक खड़ी है और हम बाइक पे सीधा गिलगित निकल जाएंगे।